अब आइए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में या फिर अब आगे क्या स्थिति बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। देखिए बांग्लादेश की अगर सेना की हम यहां पर बात करें, क्योंकि अब यहां पर उसका शासन जिस तरह से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से जो सेना अध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम अब वहां पर सरकार बनाएंगे, वो अंतरिम सरकार जो है वो हम अब यहां पर बनाएंगे, राष्ट्रपति से मिलकर दावा पेश करेंगे। बांग्लादेश की सेना 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। जी हां, तो बांग्लादेश की सेना जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.587 है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या ताकत रखती है दरअसल उसकी सेना। इस सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं, 281 टैंक्स हैं, 13,100 जो बख्तरबंद वाहन हैं वो हैं, साथ ही साथ 30 स्वचालित तोपखाने, 370 अगर मैं यहां पर बात करूं टू आर्टिलरी, 70 रॉकेट आर्टिलरी, ये उसकी सेना के पास है। बांग्लादेश नौसेना के लगभग 30,000 सदस्य इसमें शामिल हैं, ये हम आपको जानकारी दे रखे हैं। तो इतनी ताकतवर अगर वो सेना, तो क्या वो उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? दक्षिण एशिया की तीसरी बड़ी सेना, अगर हम उसकी सेना की यहां पर बात करें, और दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी उसका है, रक्षा पर सालाना $3.8 बिलियन खर्च वो करता है अपनी सेना पर। तो ये आप ये देखिए, ये रक्षा बजट है जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो बांग्लादेश से निकलकर सामने आई, और अभी कुछ देर पहले तक भी आप उन तस्वीरों को देख रहे थे, वो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो वहां पर पैदा हो जाते हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये देखिए जो भी महंगे सामान थे पीएम हाउस के भीतर, पीएम आवास के भीतर, वो सब ले जा रहे हैं। लूट मची हुई है, जिसके हाथ में जो बल पड़ रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि बस यहाँ पर एक प्रदर्शनी सी लगी हुई है, जिसको जो पसंद आ रहा है, और सब फ्री का माल है, सब जिसके हाथ में जो आ रहा है, ये देखिए बर्तन भांडे सब उठा कर ले जा रहे हैं, लूट मच गई है। ये प्रधानमंत्री का घर है, आप देखिए किस तरह की स्थिति अब बांग्लादेश में हो गई है। लेकिन ये तब है जब सेना ने सब चीजें अपनी कंट्रोल में ले ली है, उसके बाद इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आती है। क्या खुली छूट दे दी गई है? क्या इसको देखें यहाँ पर कैसे घुस जाते हैं अंदर इतनी संख्या में, और फिर वहां पर लूटपाट मच जाती है, बर्तन भांडे गिफ्ट जो भी महंगे महंगे सामान वहां पर शो पीसेस हो, या जिसको जो समझ आ रहा है कि ये उसके मतलब का है, फोन हो, कपड़े लगते हो, सब उठाकर प्रधानमंत्री के घर से पीएम आवास में ये लूट मची हुई है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये शेख हसीना के पिता की जो फोटो है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं, शेख मुजीब की जो स्टैचू वहां पर है उसको तोड़ते हुए, आप देखिए कि किस तरह से जो गुस्सा है वो निकल रहा है। लेकिन पहली बार ये तख्ता पलट नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये स्टैचू सामने आता है तो 1975 की वो याद भी आती है कि किस तरह से ये तख्ता पलट तब भी हुआ था, किस तरह से उनके बच्चों तक की हत्या कर दी गई थी और तब शरण ली गई थी यहां भारत में। और अब एक बार फिर, हालांकि खबर ये भी आ रही है कि किसी तरह की कोई राजनीतिक संरक्षण की मांग शेख हसीना की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन भारत इससे पहले भी इस तरह से ये जो पॉलिटिकल संरक्षण है वो देता रहा है। और शेख हसीना की ही अगर बात करें तो ये वही दौर था, ये वही वक्त था जब 5 साल उन्होंने यहां शरण ली थी। तो ये तस्वीरें हम आपको शेख मुजीबुर रहमान की दिखा रहे हैं, जिनकी प्रतिमा पर चढ़कर किस तरह से हथौड़े से तोड़ने की कोशिश उसे की जा रही है। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है बांग्लादेश में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बांग्लादेश से, ढाका से, जहां पर शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू वहां पर लगी हुई थी उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, किस तरह से उनका जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है वो नजर आ रहा था। हम जल्दी से कुछ और जानकारी भी देते हैं और फिर उसके बाद गेस्ट हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे हम इस पर और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या हम देखें, या ये जो हुआ क्या ये रोका जा सकता था, ये हम बात करेंगे। लेकिन शेख हसीना के पिता की स्टैचू आप देख रहे थे, शेख हसीना के पिता की हत्या कैसे हुई, फटाफट से एक सरसरी निगाह हम इस पर भी डाल लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली, शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने थे, सेना की एक टुकड़ी ने हालांकि विद्रोह कर दिया था, भारत ने रहमान के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, भारत का हेलीकॉप्टर ढाका में लैंड कर गया, रहमान ने हेलीकॉप्टर में बैठने से इनकार कर दिया,
शेख मुजीबुर रहमान ये बोले कि ये मेरे लोग हैं, ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भारत का हेलीकॉप्टर वापस लौट आता है। विद्रोहियों ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 के दिन की ये घटना है। देखिए, पहली बार में वो अंतरिम सरकार में वो उस वक्त आए थे, फिर उसके बाद जब वो आए 1973 में तो पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ आप ये कहिए कि वो चुनकर आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 1975 में दरअसल ये जो पूरा तख्ता पलट है वो होता है। तो ये हमने आपको बताया कि शेख हसीना के पिता की दरअसल कैसे हत्या हुई, क्या उस वक्त हालात बने थे और आखिर क्यों ये हत्या हुई। और ये तस्वीरें देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। ढाका से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो अपना इस्तीफा वहां पर लिख रही थी, उसमें साइन वो कर रही थी। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और फिर उसके ठीक बाद वो तस्वीरें आप देखते हैं जो चॉपर से उड़ान भरते हुए, वो मिलिट्री चॉपर जिससे उड़ान भरते हुए वो नजर आती हैं अपनी बहन रेहाना के साथ। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर हम और विस्तार से बातचीत भी करेंगे। फटाफट से कर्नल शैलेंद्र को भी अगर जोड़ लिया जाए, वो स्टूडियो आ चुके हैं पहले ही। और इस्तीफा देने वाली ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, लूट खसोट से लेकर सेना अध्यक्ष का वो बयान, वो ऐलान जो उन्होंने किया बांग्लादेश में, जो अभी मौजूदा हालात यहां पर बने हुए हैं। जाहिर तौर पर भारत की निगाह इस पर बनी हुई है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो हमेशा शेख हसीना ने यह चाहा कि भारत के साथ उनके जो संबंध हैं वो अच्छे से रहें, अच्छे से चलें। लेकिन अब जो ये चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ वो भारत के चिकन नेक की अगर हम बात करें, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब यहां पर खड़े हैं। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह का हुजूम, किस तरह का सैलाब इस वक्त ढाका की सड़कों पर नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अभी एक बड़ा भाई चैलेंज है। ये सुनिए जरा, ये पीएम आवास के भीतर की तस्वीर है। इस वक्त हमारे साथ इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही साथ अमजद अयूब मिर्जा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, पहले तो एक क्विक रिएक्शन में आप लोगों से चाहूंगी, पहले आपसे कि ये जो स्थिति बनी हुई है ये क्या कह रही है? जय हिंद। ये सीधे सीधे आपको बता रही है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है। आप उसमें अगर स्टूडेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद एक बच्चा ज़रूर मिल जाए, दो बच्चे ज़रूर मिल जाए, हज़ारों में ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है जो आप देखेंगे कि उनकी हसीना की जब से इलेक्शन से आगे की जो जर्नी है, इस चौथे इलेक्शन में वो उनका जीतना अपने आप में, और तब से लेकर अब तक के बीच में जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप उनको सिलसिलेवार एनालाइज करें तो आप क्लैरिटी से कह पाएंगे कि ये अपने आप में प्रोटेस्ट नहीं है। आई थिंक हसीना शुड हैव रियलाइज्ड इट। उन्होंने कहा भी था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, प्रोटेस्ट हुआ, चलिए प्रोटेस्ट करना सबका हक बनता है डेमोक्रेसी में। जैसे आप इलेक्शन लड़कर आई हैं, ऐसे लोगों का प्रोटेस्ट भी हो सकता है क्योंकि आपने एक रिजर्वेशन पॉलिसी डाली जिसका लोगों को पसंद नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। तब पुलिस कहाँ गई, तब आर्मी कहाँ गई, रोक नहीं पाए, चलिए कोई बात नहीं। आप बता रहे थे 170,000-175,000 आदमी एक प्रोटेस्ट को नहीं रोक पाए, वो भी एक ऑर्गेनाइज आर्मी की तरह, कोई बात नहीं, उससे और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट कल और ज्यादा खराब हो गया, 93-94 लोग मारे गए। तब पुलिस कहाँ थी, तब आर्मी कहाँ थी? आप कहना ये चाहते हैं कि ये आर्मी ने होने दिया है, मेरा कहने का मतलब ये है, इसको मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनाइज्ड। ऑपोजिशन पार्टी वहां है ही नहीं इस समय, क्योंकि दे लॉस्ट सो मिजरेबली। सबसे बड़ी बात यह है, उससे आगे आ जाइए, 45 मिनट क्यों दिए जा रहे हैं? एक आपको वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनकी आर्मी का कहना है, इसलिए आप 45 मिनट में छोड़ जाइए। आप उन्हें एड्रेस क्यों नहीं करने दे रहे 2 मिनट का, 46 मिनट या 47 हो जाएंगे तो बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाह ही रहे थे कि सिचुएशन एक ऐसे उबाल पर आए
कि जहां सब कुछ अनकंट्रोलेबल दिखे और एक आपका मॉरल राइट बन जाए एज अ आर्मी, जो कि हमेशा रहता है पाकिस्तान में भी यही देखते हैं कि आप अपनी एक सो कॉल्ड हुआ तो ऐसा ही ना, जिस तरह से सेना चीफ, वो चीफ आते हैं, आर्मी चीफ आते हैं और वो बोलते हैं, मतलब एक लोकतांत्रिक अगर देश है, एक चुनी हुई सरकार है, एक आर्मी चीफ वहां पर आकर कह रहे हैं कि अब हम सरकार बनाएंगे, अब हम देखेंगे, हम जाएंगे राष्ट्रपति के पास, ये अधिकार है, ये राइट है उनके पास, ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसा दिखा। देखिए पैरेलल तो क्लैरिटी के साथ है। अगर आपने अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बचाना था, खड़ा होना था प्रोटेस्ट में उनके साथ खड़ा, आप बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आपने उन्हें विदा कर दिया, उसके बाद लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे घुस गए, बिल्कुल लूटपाट कैसे हो गई, बिल्कुल कहीं ये सब हो नहीं रहा है, ये करवाया जा रहा है, होने दिया जा रहा है, जिससे कि सिचुएशन पब्लिक को दिखे, इंटरनेशनल मीडिया को दिखे कि देखिए हमारी मजबूरी थी एज आर्मी कि हमें इसमें आना पड़ा।